नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे और व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं ये एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले ट्रिक है हमारी, ये जो बीटरूट होता है तो इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। और इसे हमने ग्रेट कर लिया है तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छी तरीके से बारीक बारीक ग्रेट हो गया है। तो अब इसे हम पाव भाजी में डाल देते हैं। जब आप पाव भाजी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा चुकंदर घिसकर जरूर डालें, क्योंकि इससे इसका कलर अच्छा आता है और ये खाने में पौष्टिक भी होता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, खून बनाने की शक्ति होती है इसमें। अब दूसरी ट्रिक है हमारी, जो हमारा किचन पेस्ट निकलता है और उसमें ये छिलके वगैरह निकलते रहते हैं सब्जी और फलों के, तो इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, या तो इन्हें गमले में डालकर इनका गमलों के लिए खाद तैयार करें, या फिर इनमें पानी डालकर रख दें। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 2-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो अब इन छिलकों का जो बेनिफिट है वो सब पानी में आ गया है और इस बेनिफिट को हम अब गमले में डाल देते हैं। तो ये एक उर्वरक का काम करेगा। और तो अब मैंने ये मनी प्लांट के गमले में डाल दिया है और मैं सभी गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो गुलाब का पौधा है कितना अच्छा हो रहा है और इस पर कितना बड़ा गुलाब का फूल आया है। तो मैं इसमें भी थोड़ा पानी डाल देती हूँ और मैं इसी तरह से फलों और सब्जियों के छिलकों का पानी डालती रहती हूँ। तो इससे मेरा फ्री में इन्हें ग्रो करने की खाद तैयार हो जाती है और ये बहुत अच्छे तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है मेरी पाव भाजी को लेकर। तो पाव भाजी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और छौंक दिया है। तो इसके जो मसाले होते हैं हम बाज़ार से बिल्कुल नहीं लाते हैं, हम सब मसाले घर के ही यूज़ करते हैं। तो मसालों का क्या होता है कि इनकी कोई एक्सपायरी डेट भरते समय पता नहीं होता है और ये भरकर ही पैकेट पर लिखते हैं, लेकिन उस मसाले का कोई पता नहीं होता है। तो हम इसलिए अपने घर के मसाले यूज करते हैं। और अब हम ये पाव सेक रहे हैं, तो इसमें देसी के तवे पर डालकर फिर पाव डालें तो ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं और ना ही जलेंगे। और इस तरीके से हमने इसे सेका है और अब दूसरी तरफ से सेकने के लिए हमने इस पर देसी घी डाला है और थोड़ी सी हम पाव भाजी डाल देते हैं। तो इस तरह से इनका कलर बहुत सुंदर हो जाता है और इस तरीके से आप दें और सर्व करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये पाव हमारे तैयार हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और ये सर्व करने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो बस इसमें हम भाजी कर देते हैं और भाजी के ऊपर आप बटर या पनीर भी डाल सकते हैं, तो इससे इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पाव भाजी बनी है घर के ही मसालों से और घर पर, और बहुत ही टेस्टी है। जितनी देखने में सुंदर है उससे भी ज़्यादा खाने में टेस्टी है। तो ये ट्रिक आप जरूर से फॉलो करिएगा कि घर के ही मसालों से तैयार करें, घर के मसाले शुद्ध होते हैं। और अब ये अगली ट्रिक आती है हमारी पाव को ही लेकर। तो जब हम पाव एक प्लेट में बहुत सारे रख लेते हैं एक साथ, तो वो कुछ बच जाते हैं, तो उन्हें ऐसे ही ना छोड़ें क्योंकि सूख कर ख़राब हो जाते हैं। और हमने बचे हुए पाव को पॉलीथीन में पैक करके रख दिया है तो इससे ये नरम बने रहेंगे। और तो फ्रेंड्स, आपको जो भी मैंने ट्रिक बताई है इनमें से कोई भी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके खर्चे को बचाएं और पैसे की बचत करें, कितना अच्छा होता है। तो आप फ्री में खाद तैयार करें और अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें तो कितना अच्छा होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।